तो भाई इस वक्त जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर के बीच में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे बेस्ट है, आपको कौन सा अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहिए, ये सारी बातें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ गाइस, एयरटेल का तो पता नहीं है लेकिन जियो बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। जियो के अंदर अपने को सिर्फ 600 रुपए में 30 एमबीपीएस की स्पीड का अनलिमिटेड इंटरनेट, फ्री कॉल, फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री सेट बॉक्स, इसी के साथ अपने को 750 लाइव टीवी चैनल और 16 ओटीटी के ऐप के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अपने को ज्यादा खुश होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी वाले अपन से बहुत कुछ राज यहाँ पे छुपा रहे हैं और कंपनी वाले अपने को बहुत ही बड़े धोखे में रख रहे हैं। गाइस, इन कंपनी वालों ने अपन से बहुत सारी बातें छुपाई है, जैसे कि इनके हिडन चार्जेस, आपके घर में से 6 कनेक्शन और ये लेंगे, और सबसे जरूरी ये जो फाइबर कनेक्शन है ना, इनको आप डायरेक्टली बंद भी नहीं करवा सकते। इसका मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कंपनी वालों ने यहाँ पे जाल बिछा रखा है। आप उस जाल के अंदर एक बार फंस जाओगे ना तो उसमें से बाहर निकलना भाई बहुत मुश्किल है। इस वजह से कह रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। चलो लाइक बाद में कर देना लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी करना, भूलना मत। अबे मेरे भाई, तुम्हें मैं पहले ये समझा देता हूँ कि जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर की बुकिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या अपने को मशीनरी मिलती है और इनकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो सिंपली जियो एयर फाइबर की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, अपना नाम, नंबर और लोकेशन एंटर करनी है, उसके बाद तो वेंडर का फोन आपको यहाँ पे आएगा। तो ये इंस्टॉलेशन के कितने रुपए देने टोटल, मतलब जब आप अगर आप ये प्लान 6 मंथ का लेते हो तो 1000 रुपए इंस्टॉलेशन है, अगर ईयरली का आप लेते हो तो इंस्टॉलेशन फ्री हो जाती है। अब गाइस, आपने जो ये रिकॉर्डिंग सुनी ना, ये मेरी रिकॉर्डिंग है वेंडर के साथ और रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने बहुत सारी बातें उनसे उगलवाई है कंपनी के बारे में जो वो डायरेक्टली किसी को बताते नहीं है। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हें पूरी सुननी ना भाई तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। ये मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, तो फॉलो करना मत भूलना। और अगर मैं यहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर की बात करूँ ना तो उसकी भी बुकिंग की प्रोसेस यहाँ पे सेम है। अब एक बार आप यहाँ पे जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर को बुक कर लोगे ना, उसके बाद वेंडर आपके घर पे आएगा, आपके घर की छत पे एक एंटीना लगाएगा और ये जो एंटीना आपके घर के ऊपर लगेगा ना, ये डायरेक्टली 5G टावर से कनेक्ट रहेगा वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। जब आपके घर के ऊपर एक बार यहाँ पे एंटीना लग जाएगा, उसके बाद आपके घर के अंदर कहीं पर भी राउटर को यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन कर देंगे। लेकिन एक बात देखो, ध्यान रखना, एयरटेल का मुझे पता नहीं है अगेंस्ट, लेकिन जियो के कस्टमर केयर से मैंने बात करी थी तो उसने ना मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात बताई यार, और ये मेरे समझ से बाहर है। अब देखो, इंस्टॉलेशन करने वाले ने मुझे क्या बोला याद है, कि आपके घर में हम जियो फाइबर को इंस्टॉल तो कर देंगे लेकिन अगर आपके मोहल्ले में या फिर आपके आसपास के एरिया में कोई भी जियो फाइबर यहाँ पे इंस्टॉल करवाएगा ना तो उसको कनेक्शन आपके राउटर में से ही हम देंगे। मतलब उसके लिए अलग से हम यहाँ पे सेटअप नहीं लगाएंगे, आपके राउटर में से ही हम 6 कनेक्शन यहाँ पे देंगे अलग अलग जगह पे। तो ये चीज़ तो मेरे समझ से बाहर है, मतलब अगर मेरे पड़ोसी ने यहाँ पे कनेक्शन लगाया तो ये आके मुझे परेशान करेंगे क्योंकि कनेक्शन तो मेरे राउटर में से देना पड़ेगा ना, अगले दिन किसी और ने कनेक्शन लगाया फिर आके मुझे परेशान करेंगे। तो ये बात तो भाई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई वेंडर वालों की, बट ये एक कंडीशन है जो आपको माननी ही पड़ेगी और इस बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आपके भाई ने चालाकी से बात करके इसका भी सोल्यूशन वेंडर से निकाल लिया था, जो मैं आपको वीडियो में बस 2 मिनट बाद बता रहा हूँ। और राइट दोस्तों, अब वीडियो का सबसे मेन पार्ट कि जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर के चार्जेस क्या है, इनके प्लान क्या है और इनकी प्राइस क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ सारी बातें। देखो यहाँ पे जियो एयर फाइबर के अंदर जो प्लान है ना, इसका चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। 600 रुपये में अपने को 30 MBPS की यहाँ पे स्पीड मिलेगी और 30 MBPS का मतलब होता है 3 MB/s। ये जो MBPS और MB/s का जो फर्क है ना, ये बीट और बाइट के अंदर चलता है और मैंने सीख रखा है भाई, मैंने जो पढ़ाई करी है ना उसमें ये चीज़ मुझे बता रखी है। मतलब अगर आपको 30 MBPS की स्पीड मिल रही है ना तो एक्चुअल में आपको 3 MB/s की मिलेगी। तो 600 रुपये में अपने को 30 MBPS का प्लान मिलेगा, 750 चैनल मिलेंगे और 14 OTT ऐप मिलेंगे। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, वेंडर से जब मेरी बात हुई थी ना तो उसने मुझे यहाँ पे 16 OTT ऐप का वादा किया था 600 रुपये के प्लान के साथ, और वो चीज़ आप रिकॉर्डिंग के अंदर सुन लेना। और इसी के साथ यहाँ पे 899 रुपये वाला जो प्लान है ना, इसके अंदर अपने को 100 MBPS की स्पीड मिलेगी, 750 चैनल मिलेंगे और अगेंस्ट इसके अंदर भी अपने को 14 OTT ऐप के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। अब ये 14 OTT एप्लीकेशन कौन सी है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा जियो का सबसे महंगा
और सबसे बड़ा प्लान, ये प्लान अपना 1200 रुपए का, जिसके अंदर अपने को 100 Mbps की स्पीड ही मिलेगी, 750 चैनल ही मिलेंगे, लेकिन अपने को 14 OTT के साथ यहाँ पे Amazon Prime और Netflix का सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पे Jio Cinema का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा। और हाँ, एक बात मुझे और नई नई पता चली है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, कि Jio Air Fiber का मैक्स प्लान भी यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो इसका जो मैक्स प्लान है ना, उसकी रेट यहाँ पे 1500 रुपए से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर अपने को 300 Mbps की स्पीड मिलेगी, और इसके अंदर भी अपने को चैनल की लिस्ट और OTT की लिस्ट सेम मिलेगी। और सेकंड प्लान इनका 2500 रुपए का है, जिसके अंदर अपने को 500 Mbps की स्पीड मिलेगी, इसके अंदर भी सारे चैनल और OTT की कंडीशन सेम है। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा प्लान 4000 रुपए का, जिसके अंदर अपने को 1000 Mbps यानी कि 1 GB की प्योर 5G स्पीड मिलेगी, जिसके अंदर चैनल की लिस्ट और OTT की लिस्ट भी अपने को सेम मिलेगी। तो कहने का मतलब, जो एक्चुअल में 5G की स्पीड होती है ना, जो अपन अपने मोबाइल के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, तो अगर आपको वो चाहिए अनलिमिटेड, वैसे लिमिटेड होती है, लेकिन स्टिल अगर आपको वो प्लान चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे 4000 रुपए का प्लान का एक्टिवेशन करवाना होगा, जो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से, लेकिन अपन कर भी कह सकते हैं। ये Jio वाले और कुछ भी हो, एयरटेल से तो बेटर ही ऑफर इन्होंने दिया है। और लगे हाथ में आपको एयरटेल का भी यहाँ पे प्लान बता देता हूँ। देखो, एयरटेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर अपने को सिर्फ एक प्लान मिलता है 740 रुपए का, जिसके अंदर अपने को 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, जो अगेंस्ट 333 GB के आसपास अपने को मिलती है। और एयरटेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपन से ये 750 रुपए ले तो रहे, लेकिन उसके साथ भी ना तो ये OTT के सब्सक्रिप्शन अपने को दे रहे, ना ही लाइव TV चैनल अपने को फ्री में दे रहे, और सेटअप बॉक्स के तो भाई दूर दूर तक कोई अत पता ही नहीं है। तो एयरटेल के अंदर ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। अब दोस्तों, बहुत ही एक तरफा बात मैं आपको बताऊंगा, इन सभी के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जिनको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि Jio वाले अपने को भर भर के यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, जो एयरटेल अपने को कभी दे ही नहीं सकता, मतलब आई थिंक 3 से 4 साल तक। तो देखो, सबसे पहली बात, Jio का आप कोई भी प्लान लेते हो, भले वो बेसिक हो या मैक्स हो, आपको यहाँ पे फ्री में सेटअप बॉक्स मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स है, फ्री में वो पूरा सेटअप यहाँ पे करके जाएंगे, सेटअप की सारी चीज आपको फ्री में मिलेगी। और भाई, तो मैं सबसे तगड़ी बात बताऊं, अपने को यहाँ पे Jio के अंदर लाइफ टाइम फ्री सर्विस भी मिलती है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट डिवाइस यहाँ पे खराब हो जाता है ना लाइफ टाइम में, तो ये उसको फ्री में सही करके देंगे, और ये बहुत बड़ी बात है यार। देखो यार, अब Jio की सारी बातें, इसके प्राइस, इसके बेनिफिट, इसके चार्जेस, ये सारी बातें खत्म होगी, अब यहाँ पे अपन एयरटेल की बात कर लेते हैं। देखो, एक्स्ट्रा बेनिफिट के नाम पे अपने को एयरटेल यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं देता। देखो, एयरटेल के अंदर अपने को कोई ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, इनका डिवाइस थोड़ा सा गुड लुकिंग है, और ये वाईफाई 6 के साथ ही आता है, जो मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता भाई। अब देखो, यहाँ पे भले ही Jio हो या एयरटेल हो, सारी कंपनी कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ ऐसी बातें अपन से छुपाती है, जो कस्टमर होने के नाते अपने को जानना जरूरी है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप Jio फाइबर के अंदर 1 महीने 2 महीने का रिचार्ज तो करवा ही नहीं सकते यार, आपको मिनिमम यहाँ पे 6 महीने का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा Jio एयर फाइबर में, और ये सबसे सस्ता और सबसे मिनिमम प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर अपन ने यहाँ पे 30 Mbps का प्लान लेते हैं, जो कि 600 रुपए का है, तो उसके अंदर 18% GST अलग से लगेगी, तो टोटल अपने को 706 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब 706 रुपए के हिसाब से मैं 6 महीने और 1 साल का आपको यहाँ पे एवरेज बताता हूँ, तो 706 रुपए के हिसाब से अगर अपन 6 महीने का प्लान लेते हैं, तो अपने को यहाँ पे एडवांस में 4236 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस 1000 रुपए अपने को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इस बात को ध्यान रखना, ये जो रिफंडेबल की जो पहले प्लान था ना, वो कंपनी वालों ने बंद कर दिया है, अब आप जो भी पैसा इनको दोगे ना, वो रिफंड नहीं होगा। तो अगर अपन 6 महीने का मिनिमम प्लान लेते हैं, तो टोटल अपने को 5236 रुपए देने ही पड़ेंगे, और इससे सस्ता प्लान है ही नहीं। अगर आप 706 रुपए वाला प्लान 1 साल के लिए लेते हो, तो टोटल कॉस्ट इसकी 8500 रुपए के समथिंग पड़ेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 6 महीने के अंदर अपने को 1000 रुपए एडवांस में देना पड़ रहे, और 1 साल के अंदर वही 1000 रुपए अपने को नहीं देना पड़ते। अब देखो, यहाँ पे ना एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, कंपनी वाले अपन से 5000 रुपए ले रहे, जो कि अपने को देने पड़ेंगे, मतलब ये जो कह रहे ना कंपनी वाले कि 600 रुपए में हम आपको हर चीज फ्री में दे देंगे, एक्चुअली में वो 600 रुपए तो है ही नहीं, वो यहाँ पे 5000 रुपए, 5000 से भी ज्यादा है वैसे तो वो। तो मतलब अगर आपको Jio एयर फाइबर लगाना है अपने घर में, ऑफिस में, या किसी भी जगह पे, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 5000 रुपए देने ही पड़ेंगे, उसके अंदर अपने को सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, जो कि रेंट के ऊपर है। जिस दिन भी आपने कनेक्शन यहाँ पे बंद कर दिया ना, उस दिन आपका सेटअप बॉक्स ये उठा के ले जाएंगे, आपके पास जो राउटर है, जो मशीनरी है, वो सब आपको कंपनी वालों को वापस से देनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज आपको यहाँ पे रेंट पे दी जा रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप छोटे से छोटा या कम से कम प्लान भी लेते हो ना इनका, तो आपको यहाँ पे 5000 रुपए के समथिंग देना पड़ेगा, और उसके अंदर आपका Jio एयर फाइबर यहाँ पे एक्टिवेट होगा 6 महीने के लिए।
आप एक महीने दो महीने का प्लान तो ले ही नहीं सकते। स्टार्टिंग में आपको 6 महीने एक साल का प्लान लेना पड़ेगा, बाद में जाके आप 1 महीने 2 महीने का प्लान अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में 6 महीने मिनिमम जरूरी है। और एयरटेल के अंदर भी अपने को लिमिटेशन तो देखो मिलती है। देखो तो सबसे पहली बात कि एयरटेल यहाँ पे सिर्फ दिल्ली और मुंबई दो ही सिटी के अंदर आई है, तो अगर आप किसी भी और सिटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हो ना तो एयरटेल तो आपके किसी भी काम का नहीं है। इसके अलावा एयरटेल का फर्स्ट कनेक्शन लेने पर आपको 2500 रुपये का यहाँ पे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जो रिफंडेबल है आई थिंक। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि एयरटेल के जो चार्जेस है ना वो थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा है एयरटेल के कंपेयर में। इसके मिनिमम चार्जेस यहाँ पे 740 प्लस GST से स्टार्ट होते हैं जो मेरे हिसाब से थोड़े से ज़्यादा है। अब यार तुम भी सोच रहे होंगे कि भैया ने तो लिमिटेशन बताना शुरू कर दिया तो ख़त्म ही नहीं कर रहे यार, इतनी कितनी लिमिटेशन है। तो एक छोटी सी लिमिटेशन और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप जियो लो या एयरटेल लो या फिर किसी भी कंपनी का, वैसे VI ने भी एयर फाइबर यहाँ पे लॉन्च कर दिया जो डेमो पीरियड पे है, तो एयर फाइबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अपने को स्टेबल इंटरनेट नहीं मिलता जितना कि अपने को ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर मिलता है, क्योंकि वो केबल के थ्रू इंटरनेट अपने पास आ रहा है और इसके अंदर वायरलेस आ रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आ रहा है, तो कनेक्शन ना अपने को इतना स्टेबल नहीं मिलता है जियो या फिर एयरटेल एयर फाइबर के अंदर, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ऑलराइट गाइस, अब मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन बता देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ कि आपको एयरटेल लेना चाहिए या फिर जियो। देखो सबसे पहली बात, मेरे हिसाब से यहाँ पे जियो एयर फाइबर सबसे बेस्ट है और सबसे मेन बात कि सारे सिटी के अंदर अवेलेबल है। इनफैक्ट जिस सिटी में मैं रहता हूँ ना वो बहुत ही छोटी सिटी है, सिटी भी नहीं भाई वो तो टाउन है, वहाँ पर भी जियो एयर फाइबर अवेलेबल है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं जियो एयर फाइबर को बाय करके इंस्टॉल करवा के उसका पूरा रिव्यू बनाऊं कि उसकी स्पीड कैसे आ रही है, कौन कौन से OTT सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, चैनल कैसे काम करते हैं, सेटअप बॉक्स कैसा है उसका एंड्रॉइड वाला, तो कमेंट कर देना, मैं इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे जियो एयर फाइबर को बुक करवा लूँगा मेरे टाउन में, एंड देन उसकी पूरी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ जाऊँगा। तो देखो यार सीधी सी बात है, अभी के टाइम पे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट जियो एयर फाइबर है, तो आप आँख बंद करके जियो एयर फाइबर के साथ जा सकते हो और वो ज़्यादा बेटर आपके काम भी करेगा एयरटेल के कंपेयर में। और इसी के साथ गाइस मैंने एयरटेल फाइबर, एयर फाइबर नहीं सिर्फ एयरटेल फाइबर के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो ये वाली वीडियो को जाके देख लेना, इसके अंदर मैंने बहुत सारी और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को जाके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक वाली बात यार लाइक भी कर देना वीडियो को। बस चलता हूँ यार, थक गया मैं भी बोल बोल के, अब थोड़ा पानी वानी पी के आराम करते हैं यार, बाय।